नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं वृंदावन में श्री गौरी गोपाल आश्रम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे गौरी गोपाल आश्रम पहुंचें, कैसे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के दर्शन करें, कथा में कैसे शामिल हों, यहां पर कथा कब होती है, कितने बजे होती है। इस आश्रम से और श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से जुड़ी हर एक छोटी सी छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही धार्मिक जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गौरी गोपाल आश्रम पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होगा मथुरा। मथुरा के लिए आपको देश के सभी छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। गौरी गोपाल जी का आश्रम मथुरा ज़िले के वृंदावन जगह में स्थित है। वृंदावन के लिए आपको मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से यहाँ के लोकल टेम्पू बैटरी रिक्शा बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, जिनमें शेयरिंग में 50 रुपये किराया होता है। मथुरा से वृंदावन टेम्पू वाला आपको 30 से 40 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुँचा देगा। मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 16 किलोमीटर होगी। अरे वृंदावन आयो, वृंदावन काया हुए ये। वृंदावन के रमण रेती चौक के आसपास आपको टेम्पू वाला उतार देगा। आप टेम्पू वाले को कह दीजिएगा कि हमें रमण रेती चौक पर उतार देना, तो आपको रमण रेती चौक पर उतार देगा या फिर आपको रमण रेती चौक के आसपास उतार देगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों, ये है रमण रेती चौक। सामने आप बोर्ड में देख रहे हो दोस्तों, उल्टे हाथ की तरफ दोस्तों यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत होती है वृंदावन की। और इस तरफ दोस्तों आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ एक रोड जा रहा होगा दोस्तों, ये बस स्टैंड देख रहे हैं। बस स्टैंड के साथ में दोस्तों चैतन्य महाप्रभु मार्ग लिखा हुआ है, यहीं से दोस्तों एक रास्ता अंदर जा रहा है। इसी रास्ते पर दोस्तों अंदर जाकर गौरी गोपाल जी का आश्रम है। तो आइए चलते हैं गौरी गोपाल जी के आश्रम। रमण रेती चौक से पैदल लगभग 10 मिनट का समय लगेगा गौरी गोपाल आश्रम पहुंचने में। ये देखिए सामने वीडियो में, यह है श्री गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम, जहां पर बूढ़ी माताएं रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम एक अद्वितीय स्थान है जो आत्मा की शांति और संतुलन की तलाश में लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहां आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं और मानवता की सेवा में निरंतर योगदान देते हैं। आश्रम का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण है, जो लोगों को आत्मविश्वास और सकारात्मकता का अनुभव करवाता है। आइए मैं आपको गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम के अंदर ले चलता हूं और वहां पर बूढ़ी माताओं के दर्शन करवाता हूं। यहां पर सामने आप नीले बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऊपर जाकर वृद्ध माताओं के दर्शन अवश्य करें। इन माताओं से मिलकर दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन माताओं का कोई नहीं है, हम लोग जाकर उनसे मिलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। आप कभी भी यहाँ पर आएं तो उनसे मिलने ज़रूर चाहिएगा। आश्रम के अंदर दोस्तों वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना सख्त मना है, मैंने रिक्वेस्ट करके छोटी सी एक वीडियो बना ली थी। प्रणाम दादी। इन माताओं के लिए रहने की काफ़ी अच्छी खासी सुविधा की गई है यहाँ पर। यहाँ पर हर कमरों में टीवी की व्यवस्था की गई है, हर कमरों में एसी की सुविधा है। मैंने यहाँ पर माताओं से पूछा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग आकर हमसे मिलते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। मैं कभी भी यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर इन माताओं के दर्शन ज़रूर करता हूँ। आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो इन माताओं के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस आश्रम के अंदर गौरी गोपाल जी की रसोई भी है, जहां पर हर समय निशुल्क भोजन मिलता है। कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर भोजन कर सकता है, चाहे वो जैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी व्यक्ति हो, वो
यहाँ पर आकर भोजन कर सकता है। हर समय गौरी गोपाल जी की रसोई चलती रहती है। गौरी गोपाल जी की रसोई वृंदावन में सबसे बड़ी रसोई में से एक है, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते हैं। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम के सामने ही कथा स्थल है, जहाँ पर पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कथा सुनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने कितनी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। दूर दूर से लोग अनिरुद्ध आचार्य जी की इस कथा में शामिल होने के लिए आते हैं। ये कथा प्रतिदिन दोपहर के 3 बजे शुरू होती है और शाम को 6 बजे समाप्त हो जाती है। इस दौरान आप यहाँ पर पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के दर्शन भी कर सकते हैं। सामने जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी यहाँ पर आके अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के दर्शन कर सकें और उनकी भागवत कथा में शामिल हो सकें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही खूबसूरत नई धार्मिक जगह के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।